फिर उसके बाद तीसरा जो टाइप है तो आपका फाइबरस जॉइंट हो गया, कार्टिलेजियस जॉइंट हो गया, और अब है साइनोवियल जॉइंट। तो साइनोवियल जॉइंट आर कैरेक्टराइज बाय, ठीक है, आर्टिकुलर सरफेस ऑफ बोन्स आर कवर्ड बाय अ थिन, ये आर कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ हाइलिन कार्टिलेज सेपरेटेड बाय जॉइंट कैविटी। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले ये पहली बोन हो गई, ये दूसरी बोन है ना, ये दोनों एक दूसरे के मिल रहे हैं, उसको बोलेंगे जॉइंट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आर्टिकुलर सरफेस, मतलब कि ये बोन का वो वाला सरफेस रहेगा जो एक दूसरे के ऊपर चिपका हुआ रहेगा और जो रोटेट होने वाला है। ठीक है, तो बोल रहा है उन्होंने ये जो आर्टिकुलर सरफेस है ना, ये आर्टिकुलर सरफेस इट इज कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। तो यहां पर जो है आपकी हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट रहेगी। तो ये जो ब्राउन कलर में दिख रहा है ये आर्टिकुलर कार्टिलेज, इसी को हम बोल सकते हैं हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, और ये इनके बीच में क्या रहेगी, गैप रहेगी। तो जैसे ये एक बोन हो गई, ये दूसरी बोन हो गई, तो ये दोनों बोन के बीच में जो है यहाँ पर गैप, ठीक है, तो ये कैविटी जो है इसमें प्रेजेंट रहेगी। पहली बात तो ये कैविटी इसमें प्रेजेंट रहेगी, और ये बोन का जो आर्टिकुलर सरफेस है इट इज कवर्ड वाया हाइलिन कार्टिलेज। ये हाइलिन कार्टिलेज जो है ना एक ऐसा शाइनी कार्टिलेज होता है और स्लिपरी टाइप का होता है। ठीक है, तो ये आपका है हाइलिन कार्टिलेज। ओके, दिस अरेंजमेंट परमिट्स ग्रेट डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। इस टाइप के जो जॉइंट होते हैं वो फ्रीली मूवेबल होते हैं। साइनोवियल मेम्ब्रेन लाइंस द जॉइंट कैविटी दैट प्रोड्यूसेस साइनोवियल फ्लूइड। अब ये जो जॉइंट कैविटी है, कैविटी मतलब कि ये खाली जगह, इसके ऊपर जो है आपको ये साइनोवियल मेम्ब्रेन दिख रही है। तो ये साइनोवियल मेम्ब्रेन इस साइनोवियल कैविटी को कवर्ड किए हुए हैं। ठीक है, और ये साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है यही क्या बनाती है, साइनोवियल फ्लूइड बनाती है। साइनोवियल फ्लूइड जो है एक टाइप से इनके बीच में लुब्रिकेंट का काम करता है, जैसे आपका गाड़ियों में इंजन ऑयल होता है, वैसे इस साइनोवियल जॉइंट में साइनोवियल फ्लूइड होता है। जॉइंट कैविटी इज एनक्लोज्ड बाय अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन द आर्टिकुलर कैप्सूल। अब ये फाइब्रस जॉइंट कैप्सूल जो है ये देखिए, तो अब ये साइनोवियल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और कवरिंग आ गई जिसको हम बोलते हैं कैप्सूल, या फिर आर्टिकुलर कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, साइनोवियल जॉइंट रेनफोर्स द नंबर रेनफोर्स बाय नंबर ऑफ लाइगामेंट्स। अब इसके ऊपर मतलब आपका आर्टिकुलर कैप्सूल, ठीक है, आर्टिकुलर कैप्सूल के ऊपर फिर से आपके ये लिगामेंट्स रहेंगे जो कि इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं इस टाइप के जॉइंट, ये आपके हो गए लाइगामेंट्स। ठीक है ना, तो ये आपके कुछ स्ट्रक्चर हो गए। तो इसमें हाइलिन कार्टिलेज रहेगा, ये अकेला ऐसा जॉइंट है जिसमें जॉइंट कैविटी प्रेजेंट रहेगी, इसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन रहेगी जो साइनोवियल फ्लूइड बनाती है, इस ये जो है फ्रीली मूवेबल रहेगा, आर्टिकुलर कैप्सूल रहेगी और लाइगामेंट्स रहेंगे। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि इसमें आप 5 से 6 कैरेक्टर जो है साइनोवियल जॉइंट के बना सकते हैं। ये हाइलिन कार्टिलेज रहेगा, जॉइंट कैविटी रहेगा, फ्रीली मूवेबल रहेगा, साइनोवियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी, साइनोवियल फ्लूइड रहेगा, आर्टिकुलर कैप्सूल रहेगा और लाइगामेंट्स रहेगा। ठीक है, साइनोवियल जॉइंट आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस विच इन टर्न डिटरमाइन द रेंज ऑफ मूवमेंट परमिटेड। अब जो साइनोवियल जॉइंट है क्योंकि ये फ्रीली मूवेबल, ठीक है, साइनोवियल जॉइंट्स आर फ्रीली मूवेबल। अब फ्रीली मूवेबल तो रहते हैं, तो फ्रीली मूवेबल रहते तो अगर मान लीजिए अगर वो एक ही एक्सिस में मूवमेंट कर रहा है तो उसको बोलेंगे यूनिएक्सियल, दो एक्सिस में मूवमेंट करते हैं तो बायएक्सियल, मल्टी एक्सियल मूवमेंट है तो मल्टी एक्सिस में मूवमेंट है तो मल्टी एक्सियल। तो यूनिएक्सियल में आपके प्लेन, हिंग, पाइवट जॉइंट, कॉन्डिलर जॉइंट, सैडल जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, दीज आर दी टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट। अब इनको एक एक करके देख लेते हैं। साइनोवियल जॉइंट, ठीक है, अब
synovial joint में सबसे पहला plain joint या इसको gliding joint भी बोलते हैं, ठीक है। In plain joint the opposed articular surface are flat or almost flat and this permit the bones to slide one another. इसमें क्या रहेगा कि ये पहला bone है मान लीजिए, ये दूसरा bone, ये दोनों बोन जो है आपके इसके जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस रहेंगे ये कैसे रहेंगे, फ्लैट रहेंगे, जिसकी वजह से ये दोनों बोन जो है एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सके, ठीक है ना। तो इनका जो मूवमेंट है देखिए एक ही डायरेक्शन में, एक ही एक्सिस में मूवमेंट है। एग्जांपल ऑफ दिस जॉइंट्स आर स्टर्नो क्लेविकुलर एंड एक्रोमायो क्लेविकुलर जॉइंट एंड जॉइंट्स आर यूनिएक्सियल, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे हम देख पा रहे हैं देखो ग्लाइडिंग जॉइंट, ये आपका स्टर्नम का पार्ट हो गया, स्टर्नम का हेड पार्ट, ये आपका क्लेविकल, इसके बीच में जो जॉइंट है उसको हम बोलेंगे ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है। इसी के बाद अपन ये स्टर्नो क्लेविकुलर, तो देखिए स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, तो किसके बीच में है, ये आपका स्टर्नम और क्लेविकल के बीच में ये जो जॉइंट है इट इज द प्लेन जॉइंट और ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है ना। दूसरा एक्रोमायोक्लेविकुलर जॉइंट जो बोला था मैंने, तो ये जो है आपका प्रेजेंट रहेगा स्कैपुला और एक्रोमियन के बीच में, ठीक है ना। इस टाइप से ये एग्जांपल है प्लेन जॉइंट के। तो ये एक ही, इनकी जो आर्टिकुलर सरफेस रहती है कैसी रहती है, फ्लैट और ऑलमोस्ट फ्लैट रहती है, जिसकी वजह से ये एक ही प्लेन में एक ही एक्सिस में जो है मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद दूसरा है हिंग जॉइंट, हिंग जॉइंट रिसेम्बल द हिंग ऑन अ डोर, हिंग ऑन अ डोर सो द फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन मूवमेंट आर पॉसिबल, ये मूवमेंट हम देखेंगे बाद में, ठीक है। अब ये जान लीजिए हिंग जॉइंट जो होता है इट देयर रिसेम्बल टू द हिंग, ये आपने देखा होगा अक्सर हमारे डोर्स पे लगा हुआ होता है, ठीक है, फॉर द मूवमेंट ऑफ डोर, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं हिंग, तो इसका जो मूवमेंट होता है जस्ट उसके जैसा मूवमेंट आपके बोन्स में होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं हिंग जॉइंट, ठीक है। एंड दिस जॉइंट्स आर, ये कहाँ का, एल्बो में है, नी में है और एंकल जॉइंट्स में, दीज आर यूनिएक्सियल, ये एक ही एक्सिस में मूवमेंट करते हैं। तो जैसे रेडियस, ये ह्यूमरस हो गया मतलब कि अपर आर्म का बोन, ये आपका अल्ना लोअर आर्म, इनके बीच में जो जॉइंट है इट इज द हिंग जॉइंट यहाँ पर जो, तो ये डायग्राम से भी आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा किस टाइप से इसका मूवमेंट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद पाइवोट जॉइंट, पाइवोट जॉइंट द सेंट्रल बोनी पाइवोट इज सराउंडेड बाय द बोनी लिगामेंटस रिंग एंड रोटेशन इज ओनली मूवमेंट पॉसिबल, द एटलांटिकल एंड सुपेरियर रेडियो अल्नर जॉइंट्स आर गुड एग्जाम्पल, ठीक है। सिंस द ओनली रोटेशन इज अलाउड द जॉइंट्स आर यूनिएक्सियल। अब जैसे ये आप अगर ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो एक स्ट्रक्चर रखा हुआ है ये एक ही एक्सिस में घूम पा रहा है, गोल 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 गोल। तो जैसे हमारा जो गर्दन है, ये हमारी गर्दन हमारे बॉडी सरफेस पे किस टाइप से राइट और लेफ्ट में ही रोटेट हो पा रही है, ठीक है ना। तो इस टाइप का जो मूवमेंट होता है इसको हम बोलते हैं, या इस टाइप का जॉइंट होता है उसको बोलते हैं पाइवोट जॉइंट। तो ये आपका एटलस और एक्सिस के बीच में होता है। एटलस एक्सिस क्या है, इट इज द फर्स्ट वर्टिब्रा और जो सेकंड है इट इज द सेकंड वर्टिब्रा, ठीक है ना। इन दोनों के बीच का जॉइंट है वो है आपका पाइवोट जॉइंट। तो इसके बाद कॉन्डिलॉइड जॉइंट जो है टू डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सर्फेसिस दैट आर्टिकुलेट विद टू कॉन्केव सर्फेसिस। अब यहाँ पर जो है आपका एक कॉन्केव सर्फेस रहेगा और एक कॉन्वेक्स। तो जैसे आपका यहाँ पर देखिए पूरा पढ़ लेते पहले, द मूवमेंट ऑफ फ्लेक्सन एक्सटेंशन एब्डक्शन एंड एडक्शन आर पॉसिबल टूगेदर विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ रोटेशन द मेटा कार्पोफेलेंजियल जॉइंट एंड नकल जॉइंट आर गुड एग्जाम्पल, द जॉइंट आर बायएक्सियल, ये याद रखेंगे आप बायएक्सियल है। तो ये जॉइंट आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, देखिए ये फैलेंजेस है, ये मेटाकार्पल है, इनके बीच का जो जॉइंट है इट इज द कॉन्डिलेट जॉइंट। तो
इसमें आपको क्या मिलेगा, या तो ये देखिए इस टाइप से एक कॉन्वेक्स सरफेस है, एक सरफेस है और एक कॉन्केव सरफेस है। तो इस टाइप का जो जॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं कॉन्डिलॉइड जॉइंट। और ये सभी जो है साइनोवियल जॉइंट के टाइप है, तो सीधी सी बात है इसमें साइनोवियल कैविटी होगा, साइनोवियल फ्लूइड होगा, ठीक है ना, ये सब कुछ प्रॉपर्टी जो है उसमें रहेगी। तो ये इस टाइप से इस जॉइंट को हम बोलेंगे कॉन्डिलॉइड जॉइंट। उसके बाद सैडल जॉइंट, इन सैडल जॉइंट द आर्टिकुलर सर्फेसेस आर रेसिप्रोकली कॉनकेव कॉन्वेक्स, ठीक है, एंड रिसेम्बल द सैडल ऑन अ हॉर्स बैक। This joint permit flexion, extension, abduction, adduction, rotation. The best example of this type of joint is carpo metacarpal joint of the thumb. It is biaxial. ठीक है, तो ये आपको जो है कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको देखिए ये जो wrist bone होती है, ठीक है ना, ये wrist bone जो होती है, इस wrist bone में और ये जो metacarpal of thumb में, इनके बीच में ये जो joint है इसको हम बोलते हैं सैडल जॉइंट, ठीक है। तो ये इस टाइप का मूवमेंट करता है, देखिए ये इस डायग्राम से आप समझ पाएंगे ये किस टाइप से मूवमेंट करता है, ठीक है। एलिप्सॉइड जॉइंट, एलिप्सॉइड जॉइंट एन एलिप्टिकल कॉन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस फिट्स इनटू एलिप्टिकल कॉनकेव आर्टिकुलर सरफेस। द मूवमेंट ऑफ फ्लेक्शन एक्सटेंशन एब्डक्शन एडक्शन कैन टेक प्लेस बट रोटेशन इज इम्पॉसिबल। द रिस्ट जॉइंट इज गुड एग्जाम्पल। ये टाइप का जॉइंट आपका कहाँ प्रेजेंट रहेगा, रिस्ट में। तो इसमें क्या बोला है, एलिप्टिकल कॉन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस। अब ये देखिए यहाँ पर ये आपकी रिस्ट बोन है, इतना एरिया जो है आपका रिस्ट बोन है, ये तो नीचे में रेडियस अल्ना है, ये आपका कार्पल्स है, ठीक है। तो ये रिस्ट बोन के बीच में जो जॉइंट है ये, ठीक है ना, ये जो जॉइंट है दे आर दी एलिप्सॉइड जॉइंट, ठीक है। जो आर्टिकुलर सरफेस होते हैं बोन के, वो जो है एक दूसरे में फिट हो जाते हैं, और इनका जो आर्टिकुलर सरफेस होता है वो एलिप्टिकल कॉनकेव होता है, इसीलिए इस जॉइंट को बोलते हैं एलिप्टिकल एलिप्सॉइड जॉइंट, ठीक है। और लास्ट है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में बॉल शेप्ड हेड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द सॉकेट लाइक कॉनकेव कैविटी ऑफ अनदर। तो एक जो बोन रहेगा उसमें बॉल लाइक हेड रहेगा, और दूसरी जो बोन रहेगा उसमें सॉकेट लाइक पार्ट रहेगा, ये दोनों एक दूसरे में फिट हो जाएंगे। दिस अरेंजमेंट परमिट्स फ्री मूवमेंट, है ना, ये जो है फ्रीली मूवेबल होता है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन एबडक्शन एडक्शन मीडियल रोटेशन लेटरल रोटेशन एंड सर्कमडक्शन, ये सभी टाइप के मूवमेंट जो है ये इसमें पॉसिबल होते हैं। मैंने बताया था ये सभी मूवमेंट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। द शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स आर गुड एग्जाम्पल, ठीक है, जो शोल्डर है मतलब आपका ये स्कैपुला और ये आपका ह्यूमेरस, इन दोनों के बीच का जो जॉइंट है इट इज द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है, और ये जॉइंट जो है इट इज द मल्टी एक्सियल जॉइंट। ये एक टेबल है लास्ट में, ये टेबल आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देगा। जैसे अपन ने साइनोस्टोसिस देखे थे, तो इसमें एज के साथ मिडल एज में जो है बोन जो है फ्यूज हो जाती है ना, और इसमें सिनार्थ्रोसिस टाइप का मूवमेंट होता है, मतलब कि इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, एग्जांपल है फ्रंटल एंड कोक्सा। फाइब्रस जॉइंट, फिर फाइब्रस जॉइंट में आपका सूचर्स गॉम्फोसिस सिंडेस्मोसिस, सूचर्स जो है दे आर इमूवेबल, गॉम्फोसिस आर ऑल्सो इमूवेबल, सिंडेस्मोसिस आर स्लाइटली मूवेबल, इसके एग्जाम्पल है ये। वैसे ही आपका कार्टिलेजियस जॉइंट, वो आपके सिनकोन्ड्रोसिस और सिम्फाइसिस होते हैं, सिनकोन्ड्रोसिस जो होते हैं दे आर इमूवेबल एंड सिम्फाइसिस आर स्लाइटली मूवेबल, ये एग्जांपल है इसके। साइनोवियल जॉइंट मोनोएक्सियल बायएक्सियल ट्राइएक्सियल, ये पूरे के पूरे डायोड प्रोसेस है, मतलब कि फ्रीली मूवेबल है, और ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। ओके, थैंक यू।